गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं डीके सिंह, फैकल्टी केमिस्ट्री एट फ्यूचर फोरम। कल की क्लास में हम लोगों ने मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया था, जो कि क्लास 11th का एक चैप्टर है, और इसमें हमने बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर किया था। आज के सेशन में हम लोग कल तक जहाँ पे पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ मोल्स फॉर एटम्स हमने डिस्कस किया था, और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, एक तो फॉर्मूला हमें ये मिल गया था। दूसरा हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ एटम्स इन एनी गिवन सब्सटेंस, और इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, या हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो नंबर ऑफ एटम को हमने कुछ एन से रिप्रेजेंट किया, मोल्स को हमने स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया, एवोगाड्रो नंबर को हमने एन ए से रिप्रेजेंट किया। तो नंबर ऑफ एटम विल बी इक्वल टू सम स्मॉल एन इंटू एन ए होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आज के सेशन में हम लोग थोड़ा सा इसमें और भी चीज़ों को पढ़ेंगे। बेसिकली मैं आपको एक सिमिलर वर्ड्स के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे इसके लिए? सिमिलर वर्ड्स से मतलब है कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग एक जैसी होती हैं, और किसी भी सब्सटेंस जो कि एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए हम उसको यूज करते हैं। क्या हैं वो वर्ड्स? जैसे मैं बात करूं तो हमने मोल्स निकाला, इस मोल्स को हम ग्राम एटम भी कह सकते हैं, ग्राम एटम भी कह सकते हैं, या हम इसको एन ए एटम भी कह सकते हैं, या हम इसको 6.023 × 10³³ एटम भी कह सकते हैं। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ये सिमिलर वर्ड्स आपके दिमाग में याद होना चाहिए, क्योंकि कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये ज़रूरी नहीं कि वो आपको आइडेंटिफाई करे कि मोल्स ही आपको निकालना है, हो सकता है कि वो ग्राम एटम जैसे टर्म को यूज कर दे। तो ये आपको सिमिलर वर्ड याद होने चाहिए। इसकी डेप्थ की एनालिसिस हम आगे के कुछ लेक्चरों में डिस्कस करेंगे, जो कि एक टॉपिक आएगा हमारे लिए एटॉमिक टर्म्स, और उसमें हम इन सारे वर्ड्स की मीनिंग को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपको अब क्वेश्चंस लगाने हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मोल्स निकालना होगा, मोल निकालने के लिए आपको ग्राम एटॉमिक मास याद होना चाहिए। तो पहले हम 1 to 20 तक के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके ग्राम एटॉमिक मास को हम याद कर लेते हैं। याद करने से हमें कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे मैं बात करूं, मैंने कहा यहाँ पे मैंने लिखा एलिमेंट्स और यहाँ पे लिखा GAM। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन है हमारे पास, इसका जो मास होता है 1 ग्राम होता है। अगर मैं हीलियम की बात करूँ तो ये 4 ग्राम होता है। अगर मैं हाइड्रोजन के बाद हीलियम, फिर अगर मैं लिथियम की मैं बात करूं तो ये होगा 7 ग्राम, अगर मैं बेरिलियम की मैं बात करूं तो ये होगा 9 ग्राम। ठीक है, अगर मैं बोरॉन की मैं बात करूं तो इसका होगा 10 ग्राम। ठीक है बेटा, बोरॉन के बाद कार्बन की मैं बात करूं तो ये होगा 12 ग्राम। कार्बन के बाद होगा हमारे पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है 14 ग्राम। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारे पास, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है 16 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आएगा जो कि 19 ग्राम होगा। इसके बाद आएगा नियॉन, नियॉन होता है 21 ग्राम। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ूँ इस लिस्ट में तो नियॉन के बाद आएगा सोडियम, सोडियम का मास होता है ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम। इसके बाद आएगा मैग्नीशियम जो कि 24 ग्राम।
इसके बाद आएगा मैग्नीशियम, के बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो 27 ग्राम होता है। उसके बाद आएगा सिलिकॉन, इसका जो मास होता है 28 ग्राम। इसके बाद आएगा सिलिकॉन के बाद आएगा फॉस्फोरस, इसका मास होगा 31 ग्राम। फॉस्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर होगा 32 ग्राम। फिर आएगा क्लोरीन, क्लोरीन होता है 35.5 ग्राम होता है। क्लोरीन के बाद आएगा आर्गन, आर्गन का होता है, आर्गन होता है 39.9, और हम एग्जैक्टली इसको 40 लिख लें, ठीक है। आर्गन के बाद बोलो बेटा, आर्गन के बाद पोटेशियम, पोटेशियम 39 होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम, कैल्शियम होगा 40 ग्राम। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके हम ग्राम एटॉमिक मास को हमें याद करना होगा। अगर हम इनको याद कर लेते हैं तो आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोलिए, नोट करेंगे आप लोग सभी लोग इसको, फिर हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे, आगे के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हमने करना है, अभी हमने थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने डिस्कस किया है उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने दिया, कैलकुलेट द ग्राम एटम्स एंड एटम्स इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। पहला मेरा क्वेश्चन है 46 केजी सोडियम, दूसरा 48 केजी मैग्नीशियम, तीसरा 54 मिलीग्राम एल्यूमिनियम, फोर्थ है हमारा 32 ग्राम ऑक्सीजन, फिफ्थ है हमारा 16 केजी हीलियम, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर मैं इनको सॉल्व करने की बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि पहले हमें गिवन क्या क्या है, हम इस बात को देख लें। गिवन है हमें भाई क्या दिया है, वेट दिया है जिसको हम डब्ल्यू टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितना दिया है, 46 केजी दिया है, और 46 केजी को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, मींस 46 इंटू 10 के पावर 3 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्राम एटॉमिक मास का, तो ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का कितना होगा, बोलिए। लिस्ट में आप देख सकते हैं सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम होता है, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो भाई वर्ड देखो, यहाँ पे ग्राम एटम दिया है। मैंने आपको सिमिलर वर्ड्स पढ़ाया, सिमिलर वर्ड्स में मैंने कहा कि जो मोल्स होता है हम उसको ग्राम एटम के नाम से भी जानते हैं। मींस हमें यहाँ सिंपली क्या निकालना है, मोल्स निकालना है, जो कि डब्ल्यू टी डिवाइडेड बाई जी ए एम होता है। मींस यहाँ से 46 इंटू 10 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 23, और ये होगा 2 इंटू 10 के पावर 3 मोल्स। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, दूसरे क्वेश्चन में एज इट इज सेमी क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या करोगे, पहले तो मैंने मोल्स निकाल लिया, पहले वाले क्वेश्चन में कंप्लीट नहीं है, पहला वाले क्वेश्चन में हमने मोल्स निकाल लिया या ग्राम एटम्स निकाल लिया। अब पूछा जा रहा है कि एटम्स बताओ, तो एटम्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे मोल्स इंटू क्या बेटा, एवोगाड्रो नंबर, और यहाँ से आंसर आएगा 2 इंटू 10 के पावर 3 इंटू एन ए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो बेटा। यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स हमने निकाल लिया, वो होगा हमारे लिए 2 इंटू 10 के पावर 3 इंटू एन ए, ठीक है। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन को देखूं, तो सेकंड क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे, सेकंड क्वेश्चन में 48 केजी दिया है मैग्नीशियम, तो मोल्स कितने होंगे, 48 इंटू डायरेक्ट करते हैं हम 10 के पावर 3 जो कि ग्राम में आ गया, और मैग्नीशियम का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो 24 ग्राम है। आप देख सकते हो ऊपर भी ग्राम है नीचे भी ग्राम है, ये कैंसिल आउट होंगे, यहाँ से फिर से आंसर आया 2 इंटू 10 के पावर 3, मीन्स मोलों की संख्या कितना 2 इंटू 10 के पावर 3, या हम कह सकते हैं ग्राम एटम्स कितना 2 इंटू 10 के पावर 3। अब हम बात करते हैं एटम्स की, तो एटम्स में आप लिखोगे मोल्स इंटू क्या बेटा, एवोगाड्रो, एवोगाड्रो नंबर, और यहाँ से होगा बेटा 2 इंटू 10 के पावर 3 इंटू एन ए। पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर सेम ही आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम आगे डिस्कस करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे, अगर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट हमारा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या देखना है बेटा, थर्ड क्वेश्चन में हमारा जो है 54 ग्राम 54 मिलीग्राम लिया है, मींस वेट अगर हम देखें तो 54 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करो, ये ग्राम में आ गया। अब यहाँ से आप देखिए एल्यूमिनियम का
अगर GEM की मैं बात करूं, जो कि ग्राम एटॉमिक मास होता है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, वो होता है 27 ग्राम। अब यहां से फिर से अगर मैं मोल्स की बात करूं, तो मोल्स क्या होगा बेटा, 54 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 27, और ये होगा 2 × 10⁻³ मोल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मोल कहो या ग्राम एटम कहो, दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं। अब मैं बात करता हूं एटम्स की, तो एटम्स क्या होंगे, मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना है बेटा, 2 × 10⁻³ यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नाउ अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं, तो फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें गिवन क्या है बेटा, गिवन हमें फिर से WT दिया है, जो कि कितना दिया भाई, 32 ग्राम दिया है, और इसका GAM की मैं बात करूं ऑक्सीजन के, ये होता है 16 ग्राम, मैंने लिखा भी है ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास। फिर से अगर मैं मोल्स की बात करूं, तो WT डिवाइडेड बाई GAM फॉर्मूला यूज करोगे, 32 डिवाइडेड बाई 16, 2 मोल्स आ गए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मोल्स का मतलब ग्राम एटम से होता है, और ग्राम एटम ही मैंने निकालने के लिए कहा है, मीन्स ये जो मोल है वही ग्राम एटम होगा। अब मैं बात करता हूँ एटम्स की, तो एटम्स होता है मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, जो कि फॉर्मूला है, इसको यूज करोगे 2 × NA, मीन्स नंबर ऑफ एटम्स होगा 2 × NO। समटाइम आप एक बात का ध्यान रखोगे, कई बार ऑप्शनल क्वेश्चंस में इसकी वैल्यू भी दी जाती हैं, तो 2 × 6.023 × 10³ हो जाएगा। आप मेरी बात थोड़ा सा समझ लेना, बेसिकली NA की वैल्यू तो एवोगाड्रो नंबर होता है, एंड एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.023 × 10³। मैंने इसको अगर इसको मल्टीप्लाई किया, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 12.046 × 10³, इतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन के। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? लास्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, तो लास्ट क्वेश्चन में हमने 16 kg हीलियम लिया है। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो 16 kg हीलियम की अगर मैं बात करूं, तो आप देखोगे भाई यहां से पहले मोल्स निकालो, मोल्स क्या होगा 16 kg × 10³ करोगे, ग्राम में आ गया। हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास होता है 4, यहां से 4 × 10³ कितना हुआ बेटा, 3 हो गया। अब नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स के लिए फिर से हम फॉर्मूला यूज करेंगे मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, और ये बनेगा 4 × 10³ × 6.023 × 10³। अगेन मैंने यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली, आपको दिख रहा होगा अप्रॉक्सीमेट 24 × 10⁶ के आसपास हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट मैंने लिया है, 6.023 को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है, आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो, जैसा आपके साथ सामने ऑप्शन होगा उस तरह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक हो गया? बोलिए, ये 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो, हम लोगों ने अभी तक मोल कंसेप्ट में छोटे छोटे टर्म्स पढ़ लिया, मोल्स फॉर एटॉमिक सब्सटेंसेस डिस्कस कर लिया, नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन सब्सटेंस विच इज इन फॉर्म ऑफ एटम, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है और हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारा टॉपिक है मोल्स फॉर मॉलिक्यूल्स। कोई मॉलिकुलर सब्सटेंस है, इसके लिए मोल्स कैसे निकालेंगे? थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान देना, जब हम बेसिक चीज़ों को पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यही एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स भी होते हैं। मीन्स अगर हम किसी मॉलिकुलर सब्सटेंस के लिए मोल्स निकालना अगर हम सीख लें, तो वही मोल्स हम किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, बिल्कुल सिमिलर है जो प्रीवियस हमने टॉपिक डिस्कस किया था, वैसे ही इसको भी डिस्कस करना है। अगर हम मोल्स की बात करें, किसके लिए भाई, कोई मॉलिकुलर सब्सटेंस के लिए, तो मोल्स होगा गिवन मास किसमें बेटा, ग्राम में, डिवाइडेड बाई, यहां पे थोड़ा सा देखोगे ग्राम मॉलिकुलर मास हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई, ग्राम मॉलिकुलर मास यूज करेंगे। बेसिकुलर मॉलिकुलर सब्सटेंस के लिए जो टर्म डिफाइन होता है वो होता है ग्राम मॉलिकुलर मास। कई बार आपको
मोलर मॉलिकुलर मास भी लिखा होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राम मॉलिकुलर मास या मोलर मास ये सही वर्ड है। आप यहाँ पे मोलर मास नहीं लिख सकते, या आप एटम के केस में एटॉमिक मास नहीं लिख सकते, वो वर्ड गलत होता है। इस चीज़ को हम आगे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे हमने यूज किया ग्राम मॉलिकुलर मास। अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो मोल्स को हमने एन से रिप्रेजेंट किया, गिवन मास को हमने वेट से डब्ल्यू टी से रिप्रेजेंट किया, वेट भी कहते हैं कई बार इसको, और ग्राम मॉलिकुलर मास को हम क्या जी एम एम भी लिख सकते हैं। मीन्स एक फार्मूला हमें मिल गया कि नंबर ऑफ मोल्स फॉर द मॉलिकुलर सब्सटेंसेस और एलिमेंट एंड कंपाउंड विल बी इक्वल टू एन विल बी इक्वल टू डब्ल्यू टी डिवाइडेड बाई जी एम एम। अब मैं आपसे पूछूं कि किसी ने आपसे पूछा कि मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, आप बताइए, मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, जिसको हमने पहले ही सीख लिया है। तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा आपको, अगर मैंने मॉलिक्यूल्स को कोई एक नंबर दिया जिसको हमने कैपिटल एन दिया और मोल्स को हमने स्मॉल एन कहा, एवोगाड्रो नंबर को हम जानते हैं कि एन ए होता है, तो ये मॉलिक्यूल्स का फार्मूला होगा सम एन इंटू एन ए, एन हमारा स्मॉल होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया सबको? मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। आपको आइडेंटिफाई करना होना चाहिए कि ये सब्सटेंस एटॉमिक है कि मॉलिक्यूलर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे देखिए भाई, सबको समझ में आ गया? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे तो फिर से इसमें भी हम जान लेते हैं सिमिलर वर्ड्स क्या होंगे। सिमिलर वर्ड्स की मैं बात करूँ तो आप देखोगे, मैंने वहाँ पे मोल्स बात करी थी ना, यहाँ पे भी मोल्स लिखेंगे और ये मोल्स होगा ग्राम मॉलिक्यूल्स के सिमिलर, ग्राम मॉलिक्यूल्स के सिमिलर, या हम लिख सकते हैं क्या बेटा एन ए मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं हो, एन ए मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो। इस एन ए की एक वैल्यू भी होती है जिसको 6.023 × 10³ भी लिख सकते हैं। बोलो बेटा, इतने मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं क्या बेटा ग्राम मॉलिकुलर मॉलिकुलर मास। ठीक है, सिमिलर वर्ड आपको फिर से याद रखना होगा, क्योंकि विदाउट नोइंग सिमिलर वर्ड हमें प्रॉब्लम्स होंगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं तो मोल्स ग्राम मॉलिक्यूल्स दोनों ही सिमिलर वर्ड्स हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपसे किसी क्वेश्चन में मोल्स पूछे, मे बी वो आपसे ग्राम मॉलिक्यूल्स भी पूछ सकता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई, ये तो एक जनरल कंडीशन मैंने डिस्कस कर लिया। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने, उसको आप बहुत ही ध्यान से समझोगे। मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं पूछूं आपसे कि नंबर ऑफ एटम्स इन एनी मॉलिक्यूल्स, ये मेरा क्वेश्चन अगर हो, मैंने क्वेश्चन लिखा, सभी ध्यान से देखो, देखो भाई कंसंट्रेट करो बोर्ड की तरफ, मैं नंबर ऑफ एटम्स इन एनी मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे होगे कि मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में एटम की हमने कहानी पूछी आपसे। समझ में आ रहा है? मतलब कोई मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स तो एग्जिस्ट होंगे ही होंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट होंगे तो भाई एटम्स भी एग्जिस्ट होंगे, बिकॉज आपको पता है कि जो एटम्स होते हैं वही मिलके मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। तो एग्जैक्टली अगर आपसे किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस या किसी एलिमेंट और कंपाउंड में आपसे एटम की इंफॉर्मेशन पूछे तो ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, और इसके लिए नंबर ऑफ एटम्स इन एनी मॉलिक्यूल्स की मैं बात करूं तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा मोल्स, ध्यान दो बोर्ड की तरफ, इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी एक नया वर्ड आ गया आपके लिए, एटॉमिसिटी। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि एटॉमिसिटी क्या होता है। ठीक है भाई, मोल्स जानते हैं हम, एवोगाड्रो नंबर भी हम जानते हैं, हमारे लिए जो अननोन वर्ड है वो है एटॉमिसिटी। ये एटॉमिसिटी भी क्लास नाइन्थ में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इस चैप्टर में हमने इसको पढ़ा होगा। और एटॉमिसिटी अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो आप सभी लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करोगे, ये होता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड। आई रिपीट अगेन,
नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, किसी कंपाउंड में या किसी मॉलिक्यूल्स में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या बेटा, एटॉमिसिटी। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। एग्जांपल से मैंने कहा हमारे पास मीथेन है, हमने कहा हमारे पास मीथेन है, इस मीथेन में अगर मैं एटॉमिसिटी की मैं बात करूं, एटॉमिसिटी की मैं बात करूं, तो एटॉमिसिटी क्या होगा भाई, देखो कार्बन का एटॉमिसिटी वन, वन नंबर दिख रहा है, और हाइड्रोजन का फोर, कितना हो गया भाई, फाइव। आपसे कई बार ये तो पूरे कंपाउंड की एटॉमिसिटी हो गई, हो सकता है कार्बन की एटॉमिसिटी पूछता तो वो वन होगा, हो सकता है कि वो आपसे हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी पूछता वो कितना होगा बेटा, फोर होगा। कुछ एग्जांपल्स मैं और भी लेता हूँ, जैसे मैंने कहा हमारे पास है शुगर, शुगर के लिए अगर मैं फार्मूले की बात करूँ, ये होता है C12H22O11 होता है। अगर यहाँ पर हम एटॉमिसिटी की मैं बात करूँ, एटॉमिसिटी आप ध्यान दोगे यहाँ पे, एटॉमिसिटी अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, मींस यहाँ पे अगर एटॉमिसिटी की मैं बात करूँ तो कार्बन के जो एटम्स हैं 12, हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो 22, ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं 11, मींस इस तरह से टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड विल बी इक्वल टू 45 एंड इट्स एटॉमिसिटी ऑफ दैट कंपाउंड। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है, उसको लिखोगे 12। अगर आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितना है तो उसको लिखोगे 22। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितना है तो उसको लिखोगे आप 11। समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको, बोलो बेटा, सबको क्लियर हो गया, बोलिए भाई। मीन्स आपको एक आइडिया मिल गया कि एटॉमिसिटी अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स में अगर हम एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमको रिस्पेक्टिव सब्सटेंस का क्या देगा बेटा, एटम देगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बोलिए भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इन पे कुछ बेसिक हम क्वेश्चंस को लगाते हैं, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ मैंने क्वेश्चन लिख दिया है बोर्ड पे, अभी हम लोगों ने कवर किया है नंबर ऑफ मोल्स फॉर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एनी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के तीन केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। अब हमें डिस्कस करना है कुछ क्वेश्चंस को। आप देखोगे बोर्ड पे भाई ये क्वेश्चंस हैं, अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस की, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। आप देख लें बोर्ड पे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग सब्सटेंस। मोल्स पूछा गया है सिंपली, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 2 kg CuCO3, दूसरा है 1.96 kg H2SO4, तीसरा है 3.42 kg sugar, चौथा है 3.6 kg glucose एंड लास्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है 36 g H2O। अगर मैं इनमें मोल्स की मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चन से हम लोग बात करना शुरू करते हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को अगर लिखूं तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान दोगे, पहले वाले क्वेश्चन में गिवन क्या है भाई, फिर से हम बेसिक अप्रोच लगाएंगे। गिवन है हमारे पास क्या बेटा, बोलो, वेट ऑफ सब्सटेंस गिवन है, मींस WT गिवन है, और कितना है ये बोलो, 2 kg है। 2 kg कहो या 2 into 2 kg कहिए, या इसको आप लिख सकते हो और करके लिख सकते हो 2 into 10 के पावर 3, क्या बेटा, ग्राम, ठीक है ना। अब मैं पूछूं आपसे, इसका GMM निकाल सकते हो क्या? GMM एक शॉर्ट वर्ड में मैंने यूज किया है, इसको बोल सकते हैं ग्राम मॉलिकुलर मास। ग्राम मॉलिकुलर मास अगर निकालना है हमें किसका, CaCO3 का, तो वो होगा, देखो भाई कैल्शियम है, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो ग्राम एटॉमिक मास कितना, 40, कार्बन कितना, 12, ऑक्सीजन कितना, 16, ऑक्सीजन कितने है भाई, 3 है ना, टोटल कितना होगा, 40 + 12 = 52 + 48, मीन्स ये होगा 100 g। क्लियर हो गया सबको। अब अगर मैं बात करूँ मोल्स की, तो मोल्स क्या होगा, 2 × 10⁻³ / 10⁻² यहाँ से ये कितना होगा, 2 × 10 = 20 moles। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस था। अगर मैं आगे डिस्कस करूँ, सभी लोग इसको कॉपी करोगे, क्वेश्चन को देख लोगे भाई सभी लोग, पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, बोलिए, आगे डिस्कस करते हैं भाई। दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो दूसरे क्वेश्चन में गिवन क्या है भाई, गिवन है हमारे लिए क्या, वेट
पहला कितना है 1.96 केजी है, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं 1.96 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है भाई ये ग्राम हो गया। इसका GMM की मैं बात करूं तो H2SO4 लिया है ना, H2SO4 में हाइड्रोजन का कितना होगा 2, सल्फर कितना होगा 32 एंड 16 × 4 ऑक्सीजन होगा और ये होता है 98 ग्राम। अगर यहाँ से हम मोल्स निकालने की कोशिश करें तो मोल्स होगा बोलो बेटा 1.96 इंटू 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय हम लिख लें इसको 98। अब देखोगे यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा 960 होगा और इसको डिवाइड कर दें किससे 98 से डिवाइड होगा अगर ये तो ये 2 होगा, मींस मोल्स कितने आ गए बेटा आप सभी लोग बताओगे कितने मोल्स आ गए, है ना 20 मोल्स आ गए कि नहीं आ गए, क्लियर हो गया सबको, बोलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, सभी लोग कॉपी करो इसको। थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं तो थर्ड क्वेश्चन में हमने दिया है 3.42 केजी शुगर। पहले तो हम शुगर क्या होता है मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये होता है C12H22O11 होता है और इसका अगर GMM की मैं बात करूं तो आप याद कर लोगे 342 ग्राम होता है, ठीक है भाई। अब मैं गिवन यहाँ पे वेट की मैं बात करूं तो आपको दिया है 3.42 केजी, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू आएगा 3420 ग्राम आ जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करें किससे भाई बोलिए, अगर इसको हम मोल्स में निकालना चाहें तो मोल्स होगा WT डिवाइडेड बाई GMM और ये होगा 3420 डिवाइडेड बाई 342, यहाँ से आ जाएगा 10 मोल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्या आ गया बेटा 10 मोल यहाँ से आ गया। थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करूँ तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 3.6 केजी ग्लूकोज। अब आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है। अगर मैं इसके ग्राम मॉलिकुलर मास GMM की मैं बात करूं तो याद कर लोगे 180 ग्राम होता है। यहां से अगर मैं मोल्स की बात करूं तो मोल्स होगा गिवन मास दैट इज, बोलो भाई गिवन मास कितना है 3.6 केजी है, 3.6 केजी को हम क्या करें ग्राम में कन्वर्ट करें मीन्स 3.6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 180। आप देख लोगे यहाँ से बोलो बेटा ये जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, ये 360 डिवाइडेड बाई 18 और यहाँ से ये मिल गया हमें 20 मोल्स मिल गया, ये हमारे लिए सॉल्व हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करना चाहेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या दिया है बेटा 36 ग्राम क्या दिया है वाटर दिया है, मोल्स डायरेक्ट W निकालते हैं N और ये होता है WT डिवाइडेड बाई GMM और इसको हम यूज करेंगे 36 डिवाइडेड बाई 18 दैट इज 2 मोल्स। बेसिकली इन जो भी क्वेश्चंस मैंने दिया, 5 क्वेश्चन मैंने दिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, सिर्फ इन क्वेश्चन को देने का एक पर्पज़ हमारा ये था कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स इम्प्रूव हों, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बनेंगी जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को अब डिस्कस करने जा रहे हैं जो थोड़े से अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस करना है, मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए, अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को करते हैं। अच्छे मीन्स ये बेसिक क्वेश्चंस ही हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्राम मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स इन 34 केजी अमोनिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट इम्प्रूव होंगे। अगर मैं इसकी बात करूँ, देखिए भाई इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, मैं पहले बताऊं आपको यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, ठीक है, फिर ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछा है, फिर हमने क्या पूछा है एटम्स पूछा है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने लेक्चर में ही आपको क्लियर किया था कि कुछ सिमिलर वर्ड्स हमारे दिमाग में होने चाहिए, लाइक मोल्स को हम ग्राम मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। मीन्स ग्राम मॉलिक्यूल्स का जो दूसरा मतलब होता है वो होता है मोल्स, ठीक है। तो सिंपली हम पीछे कुछ क्वेश्चंस में हमने मोल्स निकाला था, फटाफट हम मोल्स निकालते हैं। अगर मैं मोल्स की बात करूं तो मोल्स क्या होगा गिवन मास दैट इज 34 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ क्या बेटा अमोनिया। अमोनिया में देखोगे नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 3 कितना 17 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया, बोलो क्लियर हुआ सबको, आंसर करो भाई। देखो अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो 17 से डिवाइड कर दूं ये कितना होगा
टू हो गया ना, 2 × 10³, इतने क्या हो गए बेटा, मोल्स हो गए। और हम इसी को कहेंगे क्या बेटा, ग्राम। फिर से फोकस करोगे मॉलिक्यूल्स, क्या बोलेंगे इसको, ग्राम मॉलिक्यूल्स। अब मैं बात करता हूं कि मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो मॉलिक्यूल्स तो सिंपली आपको मालूम है कि हम अगर मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर कर दें तो हमारे लिए मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे भाई, बिकॉज अमोनिया एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में, मेरे वर्ड को थोड़ा सा देखना ध्यान से, किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंपाउंड देगा। मैं दूसरा वर्ड फिर बोलने जा रहा हूँ, अगर किसी एटॉमिक सब्सटेंस में मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर करोगे तो वो नंबर ऑफ एटम्स को देगा। ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। फॉर मॉलिक्यूल्स, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स देगा, बिकॉज ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। मीन्स आप देखोगे यहाँ से 2 × 10³ है, इसको एन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स ये आएगा 2 × 10³ एन ए आंसर आ जाएगा। कई बार इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपसे पूछा जाएगा तो 2 × 10³ × 6.023 × 10³23 लोगे, और यहाँ से आएगा 12.046 × 10³। देखोगे बेटा, देखो 3 × 23 × 26 हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको हम सही से करें तो 1.20 × 10²27 क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। आपको क्लियर हो गया ना, मॉलिक्यूल्स क्लियर हो गया सबको। इस मॉलिक्यूल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उस पर हम आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा, इन मॉलिक्यूल्स। फॉर्मूला आप बताइए, मैंने बोला था ना मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी। बोलो भाई, रिस्पॉन्स करो आप लोग, समझ में आ रहा ना सबको, मोल्स क्या है बताइए। मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिया ना, यहाँ पे मोल्स कितना आया, 2 × 10³, एन ए मॉलिक्यूल्स हो गया। अब एटॉमिसिटी निकालना है, एटॉमिसिटी अमोनिया का कितना होगा देख लो, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन कितना 3, टोटल कितने 4 हो गए, समझ में आया। मीन्स 8 × 10³ इंटू एन ए, अगर आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा जाता है तो आप इसमें एन ए की वैल्यू 6.023 × 10²23 पुट कर देंगे, आपको आंसर्स मिल जाएगा। क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट तो नहीं है, बोलिए भाई। अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट्स के बिना केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। एक रीजन है क्योंकि केमिस्ट्री में अराउंड 31 चैप्टर्स हमें कवर करना होता है, और अगर इस 31 चैप्टर की मैं बात करूँ तो अगर आपको मैंने पहला चैप्टर अगर आपको हमने इन द मंथ ऑफ अप्रैल और जून पर आया है तो आखिरी का जो चैप्टर आएगा वो आई थिंक नवंबर दिसंबर में आता है, जनवरी में आता है। तो इतने टाइम ड्यूरेशन में अगर आप इसको रिवाइज नहीं करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, और अगर आपको रिवाइज करना है तो एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। मीन्स केमिस्ट्री विदाउट नोट्स पॉसिबल नहीं है, आप अच्छे से नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी को प्रॉपरली रीड करिए, यही हमारा एक मैसेज है एज ए केमिस्ट्री टीचर। हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस को, और भी कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं। क्वेश्चंस मैंने कहा, मैंने आपसे कहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, ऐसे देखोगे मैंने बात करी, मैंने कहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लिखोगे एंड हाइड्रोजन इन 180 ग्राम यूरिया। आपको पता होना चाहिए, मैं इस क्वेश्चन को लिख दिया, यूरिया की मैं बात करूं तो यूरिया होता है CONH2 का होल ट्वाइस होता है। आप क्वेश्चन को फिर से देख लो, मेरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन 180 ग्राम यूरिया। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बेसिक है, आपको सीखना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चंस को बिना हमने क्लियर किया एक अच्छा जेई लेवल का क्वेश्चन या जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, या नीट लेवल का क्वेश्चन नहीं कर सकते। इस तरह के क्वेश्चंस नीट में भी पूछे जाते हैं,
इस तरह के क्वेश्चंस नीट आई थिंक 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उसको भी आगे की क्लासेस में डिस्कस करूंगा। अगर मैं इसको डिस्कस करने की बात करूं तो आप देखो भाई, पहले पहचानो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है मींस इट्स एग्जांपल ऑफ एक मॉलिक्यूल। और अगर ये मॉलिक्यूल है तो हमें पहले बात करें GMM की, मैं बात करूँ ग्राम मॉलिकुलर मास। ग्राम मॉलिकुलर मास अगर मैं यूरिया की बात करूँ तो वो होता है 60 ग्राम होता है। अगर मैं यहाँ से मोल्स की मैं बात करूं तो मोल्स होगा, देखो भाई गिवन मास कितना है, देखो भाई बोर्ड की तरफ, गिवन मास है हमारे लिए 180 ग्राम में दिया है, डिवाइडेड बाय 60 ग्राम करोगे, यहां से तुम्हें मोल्स मिल गया, 3 मोल्स मिल गया। बोलो क्लियर हो रहा है सबको, 3 मोल्स मिल गया भाई। अब मोल्स मिल गया तो हम एक काम करते हैं, मोल्स निकलने के बाद हम क्या करें भाई, हम सीधे एटम्स निकालें। अगर मैं बात करूँ एटम्स ऑफ कार्बन की, कार्बन देखो यहाँ पे क्या करोगे, तो मोल्स ऑफ यूरिया लिखें भाई, मोल्स ऑफ यूरिया कितना है, 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर Na इंटू एटॉमिसिटी। अब देखो थोड़ा सा इधर ध्यान दोगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, डिफरेंट इसलिए है कि हमने इसमें जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके अलग अलग हमने एटम्स आपसे पूछ दिया। अभी तक हमने जो पीछे के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे उसमें हमने टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन पर्टिकुलर कंपाउंड निकाला था। इन दिस क्वेश्चन हमने आपको कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन चारों के अलग अलग एटम्स हमने पूछे हैं। मीन्स कार्बन का अगर एटम निकालना है तो मोल्स ऑफ द यूरिया दैट इज 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी ऑफ कार्बन। कार्बन की एटोमिसिटी यूरिया में 1 होता है, मीन्स 3 Na आ गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं एटम्स ऑफ देखोगे यहाँ पे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे, मोल्स 3 इंटू Na, और एटॉमिसिटी देखोगे 2 टू 4 मींस यहाँ पे 6 Na होगा। अगर मैं बात करूं एटम्स ऑफ किसका बेटा, ऑक्सीजन का, तो वो कितना होगा, ऑक्सीजन तो एक ही है मतलब 3 इंटू Na इंटू कितना बेटा 1 मींस 3 Na होगा। अगर मैं बात करता हूँ किसका, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के लिए एटम्स अगर हम निकालें ये होगा, देखो नाइट्रोजन कितने हैं, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 3 इंटू Na इंटू 2 कर देंगे और ये होगा 6 Na। बोलो बेटा सबको क्लियर हो गया। मीन्स आज हम लोगों ने, आपने देखा ये जो लेक्चर है टोटली मॉलिक्यूल पे बेस्ड हैं, मतलब किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के लिए मोल्स का कैलकुलेशन, किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के लिए मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेशन या एटम का कैलकुलेशन, इतनी सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे कोई भी गैसियस सब्सटेंस है तो उसके लिए हम मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, इस बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, इसको आप सही से रिवाइज करोगे। आगे हमें डिस्कस करना होगा मोल्स फॉर गैसियस सब्सटेंस।